गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। निश्चित समाकलन के एक जो प्रश्नावली कल हमने पढ़ा था 7.9, आज हम पढ़ेंगे 7.10, जिसमें से समाकलनों का मान प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, समाकलन 0 से 1 dx अपान x प्लस 1 dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर आपका दिया गया है x का प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात कीजिए। का प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना है, अर्थात इसमें से आप जो हर दिया गया हर में देखना पड़ेगा आपको ऐसा कौन सा मान है, उसको क्या माने कि अंश वाला पद ठीक उसके इक्वल हो जाए, बराबर उसको हटा दिया जाए, मतलब प्रतिस्थापित कर दिया जाए, मतलब आपका ठीक वो आपके उससे प्रतिस्थापित हो जाए, मतलब अलग हो जाए, विस्थापन कर दिया जाए। तो देखिए अगर हम जिसको हम मानते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब अवकलन करते हैं। तो देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पूरे को एक्स टी मान लें तो एक्स स्क्वायर का अवकलन आपका क्या हो जाएगा 2x और 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में अगर अवकलन करते हैं तो 2x 2 तो गुणांक हो गया और एक्स स्क्वायर का अवकलन x आ गया, इसका मतलब ये यहां से पद आ जाएगा। इसका मतलब है माना एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, क्या मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x इंटू एक्स का क्या हो गया dx और 1 का क्या हो गया 0 बराबर t का क्या हो गया आपका dt। तो ये बन जाएगा 2x इंटू dx बराबर आपका dt। तो यहाँ से x इंटू dx बराबर आपका dt अपॉन 2। अब देखिए कि यहाँ से लिमिट आपका चेंज करना चाहो तो चेंज कर दे, नहीं तो फिर पुनः x का मान वापस करके वही लिमिट प्रयोग कर सकते हैं। अगर चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो देखिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लिमिट t बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये t बराबर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 1। x बराबर आपका 1 पर, x बराबर 1 पर आपका t बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो t बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2। किसका मतलब t का मान कितना हो गया 1 से 2। तो लिमिट आपकी क्या बन जाएगी समाकलन 1 से 2 x इंटू dx, x इंटू dx बराबर क्या है आपका dt अपॉन 2। तो ये बन जाएगा आपका dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 बटे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 की अपन क्या ले सकते हैं t। तो ये आपका 1 बटे 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 समाकलन 1 से 2 dt अपॉन t। और अब देखिए कि 1 अपॉन t क्या होता है आपका log t, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 log t और लिमिट आपकी दी गई है कितने 1 से 2, तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन 2 log 2 माइनस log 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि वैसे तो log 2 के मान अगर केवल मान नहीं तो ऐसे होते और log 1 का मान कितना होता है आपका 0। इसको ऐसे रखना चाहो तो ऐसे रख दीजिए, नहीं तो आपको लॉग यहाँ से जो लॉग m माइनस लॉग m, तो ये लिख सकते हैं लॉग 2 अपॉन 1, ये इसका क्या हो जाएगा मान ज्ञात हो जाएगा इसका अपन इससे ठीक, तो ना हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग 2। देखिए एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर आपका 3, समाकलन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए इसका साइन इनवर्स दिया और इसको अगर हम ऐसे हल करते तो ऐसे हल नहीं कर पाए, इसलिए इसमें क्या प्रतिस्थापन भी कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा। तो देखिए अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मारते ये आ रहा, लेकिन dx के क्योंकि साइन इनवर्स लगा इसका मतलब ऐसे नहीं कर सकते,
तो यहां से हम x बराबर क्या मान लेते हैं, tan थीटा। x बराबर क्या मान लेते हैं आपका, tan थीटा। अब tan थीटा अगर मानेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो x का क्या हो गया आपका dx, और tan थीटा, tan का अवकलन क्या होता है आपको sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा बराबर आपका क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा कितना समाकलन। लिमिट अगर आप बताया था चेंज करना चाहो तो चेंज कर दीजिए, अगर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो पुनः x के रूप में परिवर्तित करके रखना पड़ेगा। तो अगर हम चेंज कर देते x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 पर tan थीटा बराबर 0, और tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर 0, tan में कितने का मान होता है 0, 0 का मान, तो tan थीटा बराबर tan 0। तो इसके यहाँ tan की तुलना करने पर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार x बराबर कितना दिया गया है 1 पर, x बराबर 1 पर tan थीटा बराबर 1, और 1 tan में कितने का मान होता है tan pi by 4, मतलब tan 45। तो tan की तुलना करने पर थीटा बराबर आपका pi by 4, थीटा बराबर pi by 4, मतलब लिमिट आपकी कितनी हो गई 0 से pi by 4। तो ये 0 से pi by 4 sin इनवर्स, अब ये कितना माना है इसको मान रख देते हैं, इसमें x बराबर क्या माना है tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा x बराबर tan थीटा 2 tan थीटा बटे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। क्या रख सकते हैं sec dx का मान आपका क्या दिया है sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका sin 2 थीटा, इसके बराबर होता है आपका। तो ये 0 से पाई बाय 0 से पाई बाय 4 0 से पाई बाय 4 sin इनवर्स sin 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। sin इनवर्स और sin मिलके कितना हो गया आपका 1, तो ये क्या बचेगा केवल 2 थीटा। तो ये आपका हो गया समाकलन 0 से पाई बाय 4 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब यहां से दो बाहर निकाल ले रहे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 समाकलन 0 से पाई बाय 4 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब देखिए क्या इसमें से दोनों के समाकलन होते हैं, थीटा का भी समाकलन हो जाएगा और sec स्क्वायर थीटा का भी क्या हो जाएगा आपका समाकलन हो जाएगा। तो एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को क्या मान लेते हैं द्वितीय फंक्शन, और तो एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को द्वितीय फंक्शन। तो दो ब्रैकेट क्या होता है आपका फार्मूला दिया है प्रथम फंक्शन इंटू द्वितीय फंक्शन के अनुसार, जो आपका सूत्र हमने पढ़ा है, जो कि समाकलन f1x इंटू f2x इंटू dx बराबर क्या होता है प्रथम फंक्शन। इसी प्रकार एक तो f1x ऐसे इंटू समाकलन द्वितीय फंक्शन टू dx माइनस, अब प्रथम फंक्शन d अपॉन dx प्रथम फंक्शन का अवकलन इंटू समाकलन f2x इंटू dx, मतलब प्रथम फंक्शन इसी प्रकार द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम फंक्शन का अवकलन इंटू द्वितीय फंक्शन का समाकलन इंटू dx। तो कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका पर दो ब्रैकेट प्रथम फंक्शन ऐसे मतलब थीटा इसी प्रकार थीटा ऐसे रखेंगे और sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा, क्या हो गया समाकलन sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा माइनस समाकलन थीटा। थीटा का अवकलन कितना हो गया एक, जैसे x का अवकलन एक वैसे थीटा का अवकलन कितना हो गया आपका एक इंटू sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा इंटू d थीटा और ब्रैकेट बंद। तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट थीटा इंटू tan थीटा माइनस, अभी tan थीटा का आपका समाकलन आपका दो होते हैं, एक माइनस log cos थीटा या log sec थीटा, अगर प्लस में रखते हैं तो log sec थीटा, अगर माइनस में रखते हैं तो माइनस log cos थीटा। तो ये माइनस log, ठीक, अगर sec में रखते हैं तो प्लस का होगा sec थीटा, और अगर कॉस में रखते हैं तो क्या हो गया माइनस कॉस लॉग थीटा।
ठीक, मतलब लॉग माइनस लॉग कॉस थीटा हो गया, और लिमिट आपकी दी गई है कितनी दी थी, जीरो से पाई बाई फोर, लिमिट आपकी जीरो से पाई बाई फोर और जीरो से पाई बाई फोर, अगर इसको यहाँ ले लेते तो इसको यहाँ से अलग कर दीजिए, जीरो से पाई बाई फोर और ये तो इसके साथ ले लिया जाए, ठीक, यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो, जीरो से पाई बाई फोर और दो इसके साथ में, और लिमिट आपकी जीरो से पाई बाई फोर, लिमिट यूज कर देते हैं, जहां जहां आपका थीटा दिया वहां वहां क्या कर देते हैं पाई बाई फोर, तो टू इंटू थीटा दिया पर क्या रख देंगे पाई बाई फोर इंटू टेन पाई बाई फोर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा का मान जो जीरो रखेंगे तो ये पूरा पद कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, इसको ऐसे रखते हैं माइनस टू ब्रैकेट लॉग सेक पाई बाई फोर सेक पाई बाई फोर और माइनस लॉग सेक जीरो मान रख देते हैं, तो टू पाई बाई फोर इंटू टेन पाई बाई फोर पैतालीस, टेन पैतालीस का मान आपका एक कितना होता है आपका एक, तो इंटू एक ये जीरो की गुणा करेंगे जीरो बचेगा जीरो माइनस टू ब्रैकेट लॉग सेक पाई बाई फोर सेक पैंतालीस और सेक पैंतालीस का मान अंडर रूट टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉग रूट टू माइनस लॉग सेक जीरो और सेक जीरो का मान कितना होता है वन, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉग वन और लॉग वन का मान भी कितना होता है आपको जीरो, कितना होता है आपका लॉग वन का मान, तो क्या कर लेंगे ये पाई टू से कट जाएगा पाई अपान टू ये जीरो रहेगा माइनस टू लॉग रूट टू और माइनस लॉग वन का मान क्या हो गया जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरा जीरो, तो ये कितना आ जाएगा पाई अपान टू माइनस टू लॉग रूट टू, और इसको अगर चाहो रूट टू को क्या लिख सकते हैं टू की पावर एक बटे दो लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो यह बन जाएगा पाई अपान टू माइनस टू लॉग रूट टू को टू की पावर वन अपान टू, तो ये वन अपान टू के कहां आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई अपान टू माइनस टू इंटू वन अपान टू लॉग टू, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई अपान टू माइनस लॉग टू, ये इसका क्या हो जाएगा आपका मान निकल आएगा, ठीक, कितना है आपका समाकलन जीरो से वन साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, सेवन पॉइंट टेन का क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है सेवन, कौन सा दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर सेवन, माइनस वन से वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, अब यहां से आपको करना क्या है इसमें से आपको पूर्ण वर्ग प्रतिस्थापन तो दिए दिया है, इसको आपको एक वर्ग के रूप में बनाना पड़ेगा, किस रूप में बनाना पड़ेगा आपका पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना पड़ेगा, इसका मतलब आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये समाकलन माइनस वन से वन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर को तो एक्स का होल वर्ग प्लस दो को लिख सकते हैं टू इंटू एक्स की एक्स इंटू वन, तो अब देखिए कि यहाँ से वन होगा तो इसको क्या कर देते हैं वन का वर्ग यहाँ से जोड़े दे रहे हैं और वन का वर्ग क्या कह दे रहे हैं कटा दे रहे हैं, तो कोई और प्लस का आपका फिफ्टीन, तो ये आपका क्या हो जाएगा देखिए ये यहाँ से एक सूत्र बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू गुणे ए गुणे बी प्लस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में सूत्र बन जाएगा, तो ये आपका हो गया समाकलन माइनस वन से वन डी एक्स अपान आपका x प्लस वन का होल वर्ग, क्या लिख सकते हैं इसको x प्लस वन का होल वर्ग माइनस एक का वर्ग कितना हो गया एक और प्लस तो एक और प्लस कितना हो गया पांच, तो पांच में से एक चला जाएगा कितना बचेगा माइनस के चार, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं प्लस के चार, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का चार, अब इस चार को भी हम क्या कर सकते हैं माइनस वन से वन डी एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस चार को क्या लिख सकते हैं टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब यहाँ से क्या करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वन दिया है इसको क्या मान लेते हैं हम टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं टी, तो माना
क्योंकि प्रतिस्थापन करना है तो माना x प्लस वन बराबर टी, तो x का आपका अवकलन कर दीजिए तो x का क्या हो जाएगा डी एक्स, और वन का क्या हो गया जीरो, तो इसको केवल ऐसे ले सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पर क्या होता है लिमिट अगर नहीं चेंज करते बाद में टी का मान वापस करके लिमिट वही रख देंगे, चाहो तो आप लिमिट चेंज कर सकते हो। अगर टी लिमिट चेंज करते हैं तो एक्स बराबर वन पर एक्स बराबर माइनस वन पर आपका क्या हो रहा है टी बराबर माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा जीरो। इसी प्रकार एक्स बराबर वन पर आपका टी बराबर वन प्लस वन, तो ये आपका क्या हो जाएगा वन और वन टू, तो लिमिट कितनी हो जाएगी जीरो से दो, कितनी हो जाएगी लिमिट आपकी जीरो से दो। तो ये आपका हो जाएगा समाकलन जीरो से दो इंटू डी एक्स आपका क्या ले चलते हैं डी टी अपॉन आपका एक्स प्लस वन बराबर क्या लिखा है टी, तो एक्स प्लस वन बराबर टी, तो टी स्क्वायर प्लस आपका क्या दिया गया है दो का स्क्वायर, तो आपका ये क्या बन जाएगा सूत्र बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब वन अपॉन ए टेन इनवर एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो यहाँ लेते तो आपका वन अपॉन ए, तो वन अपॉन ए का मतलब हो गया टू इंटू टेन इनवर एक्स, एक्स दिया पर क्या दिया टी अपॉन ए का मतलब टू, और लिमिट आपकी दी गई है कितनी जीरो से टू। तो अब क्या करते हैं वन अपॉन टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टेन इनवर टू अपॉन टू माइनस टेन इनवर जीरो अपॉन टू और ब्रैकेट वन। अब यहां से टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा वन, तो वन अपॉन टू टेन इनवर वन, और टेन इनवर टेन में वन कितने का मान होता है पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर टेन जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा वन अपॉन टू टेन इनवर टेन में से क्या हो गया आपका ए, तो ये बन जाएगा आपका पाई अपॉन फोर माइनस टेन इनवर टेन क्या होगा आपका जीरो। तो हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई अपॉन चार गुनी आठ, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर निकल आएगा कितना हो जाएगा पाई बाई ए।